पूर्व साइड से महापुरुषों के नमस्कार की लाइन है और पश्चिम साइड से बहनों के नमस्कार की लाइन है और बीच का रास्ता निकलने के लिए है। टोटल घुमा दो, राउंडिंग कर दो। और साथ ही साथ एक पावन सूचना आपकी के चरणों में नमस्कार करेगा कि इस नए वर्ष के अवसर पे हमारे बीच में मंडल की गाड़ी आई हुई है, सभी महात्मा ध्यान दें, उसके अंदर शत्रु माता जी का और बाबा जी का फोटो, नए वर्ष का कैलेंडर भी है, यानी एक ही फोटो में नए वर्ष का कैलेंडर, शत्रु माता जी की फोटो और बाबा जी का भी फोटो है और संपूर्ण अवतारवाड़ी, अच्छे अच्छे भजनों की किताबें, विचार की किताबें, एक नजर पत्रिका भी होगी शायद। तो सरसुंदर दास आप जी से प्रार्थना करेगा कि जिन भी महापुरुषों को लेना है कृपया वो बारी बारी से, यानी कि एक ही बार वो बारी बारी से लाइन बनाकर वहां तक गाड़ी पर के पास पहुंचेंगे और वहां से ये चीजें आप प्राप्त कर सकते हैं। मंडल की गाड़ी के अंदर शत्रु बाबा जी का फोटो और नए वर्ष का कैलेंडर भी उस गाड़ी के साथ में है, क्योंकि महापुरुष पूछ रहे थे कि बाबा जी का फोटो कहाँ से मिलेगा, नए साल का कैलेंडर कहाँ से मिलेगा। तो दास अर्ज कर रहा है सभी से कि मंडप की गाड़ी में आप जी के लिए ये सेवा की गई है, आप जी बारी बारी से वहां पर पहुंचने की कृपा करेंगे। और सत्संगत जैसा कि दास प्रार्थना कर चुका था, हमारे बीच में मेहदा एक रचना के माध्यम से हम इन्हें श्रवण करेंगे और इनके बाद दास भक्ति करेगा संतोष श्रीवास्तव जी के पावन चरणों में। परम पूजनीय महात्मा श्री संतोष श्रीवास्तव जी बस्ती से ये कृपा करेंगे। प्यार से कहना, दुकानों में सजावट ही सजावट है, जमाने की मोहब्बत में बनावट ही बनावट है, ये तेरा रहम है साकी कि तुझ तक आम पहुंचे हैं, वरना हक की राहों में तो रुकावट ही रुकावट है, वरना हक की राहों में तो रुकावट ही रुकावट है। सासंगत जी कहते बाबा जी, ये दिल लगी तो नहीं है, ये दिल लगी तो नहीं है, रहमत की क्षमा बुझी तो नहीं है, खुशियों से भर दो आप सबके घर साकी, आपके दरबार में तो कहीं कोई कमी ही नहीं है, आपके दरबार में कहीं कोई कमी नहीं है। सासंगत एक छोटी सी गीत है, जतन करके मनावा मेरा खीरा, जतन करके मीठी मीठी बोलिया तुम्हारे
हमारा तो लागल बाट तोहरा पे आशरा, हमारा तो लागल बाट तोहरा पे लगा हुआ है। संतों ने भी फरमाया है कि सुत धारा और लक्ष्मी पापी के भी होए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुर। और महापुरुषों संत समागम ये हरि की कथा बड़े भाग्य से हमें मिलता है, और जब हमें मिलता है तो सदगुरु के चरणों में यही विनती करनी होती है कि दाता ऐसी मेहर करना, कृपा करना कि तेरे बताए हुए रास्ते पे हम चल पाए। और जो ये संतों के बोल आते हैं इस बोल को मन लगा के सुन पाए, क्योंकि सत्संग जी जब हम संगत में बैठते हैं शरीर तो हमारा बैठा हुआ रहता है लेकिन हमारा मन यहां वहां भटक रहा होता है। और इसलिए गीत के द्वारा संत महात्मा बताते हैं कि सत्संग वो गंगा है, इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। वचनों के मोती हैं संगत के सागर में, फल ही फल मिलते हैं सुख के इस तरोवर में, इस ज्ञान सरोवर में जो डुबकियां लगाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। आज सत्संग जी ज्ञान सरोवर में डुबकियां लगाने का मौका हमेशा सदगुरु देता रहता है, लेकिन सत्संग जी शरीर का स्नान तो हम घर में करते हैं लेकिन मन का स्नान इस संगत में होता है। इसलिए हमेशा संत महात्मा कहते हैं कि मन लगा के संगत को सुनो, विचारों को अपने झोली में समेटो, और उसको जब हम अपने जीवन में लाते हैं तो हमारा यह लोक सुखी और परलोक सुहेला हो जाता है। बहुत से महापुरुषों के चरणों में भी आशीर्वाद लेना है तो सत्संग जी दास अधिक ना बोलते हुए इन्हीं शब्दों से क्षमा प्रार्थी है। प्यार से कहना धन्यवाद जी, सत्संग जी प्यार से कहना धन्यवाद जी। ताकि ये बहन सेवा में व्यस्त है तो दास कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भाई साहब राम सिंह जी दास विनती कर रहा है। भाई साहब राम सिंह जी के पांव चरणों में
ये आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, हम इन्हें श्रवण करेंगे और इनके बाद दास विनती करेगा कार्यक्रम की अगली कड़ी में परम पूजनी महात्मा राधेश्याम जी ये कृपा देंगे। क्या बोल सद्गुरु माता श्री सहदेवी महाराज की जय।
सत्संग का मौका मिला तो दास जी एक छोटी सी हुजूर का भी पावन आगमन आप जी के पीठ में हो रहा है, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं साथ साथ हमारे बीच में आगमन, जिनके दर्शन के लिए हमारी आंखें काफी समय से लगाए थे, उस समय वो अभी भी दास देख रहा है कि कुछ महापुरुष विदाउट लाइन बैठे हुए हैं, कृपया वो भी अपने अपने सामने लाइनों को सीधा कर लें और सत्संगत दास प्रार्थना भी करेगा कि जिन भी महापुरुषों को सतगुरु बाबा जी के कैलेंडर फोटो इत्यादि लेना है तो सत्संगत वो प्रकाशन की गाड़ी आप जी के बीच में पहुंच चुकी है, आप जी वहां लाइन बनाकर बारी बारी से पहुंचने की कृपा करेंगे और नमस्कार की लाइनों को कुछ समय के लिए विनती करेगा सभी महापुरुष प्रवान करेंगे। रोगद गद हो गई रे दातिया दर्शन करके तेरे, रोगद गद हो गई रे दातिया दर्शन करके तेरे, हो दर्श करके तेरे रे दर्शन करके तेरे, दर्शन करके तेरे चलो करके तेरे। Yeah.
जीवन बीते सतगुरु तुहरे हुकुम हुकारी में। क्या बात है। Come on.
ਸਾਹਨੀ ਜੀ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜੋਨਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੱਲ ਕਰ ਪਰਮ ਪੂਜਨੀ ਮਹਾਤਮਾ ਸ੍ਰੀ ਤੂਫਾਨੀ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੂੰਗੀ ਪਿਆਰ ਸੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਔਰ ਸਤਿ ਮੈਂ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਜਿਨ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋਂ ਕਾ ਦਾਸ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਮੇਂ ਕੋ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਰੱਖੇਂਗੇ ਤੋ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਸ ਕੋ 1:50 ਪਰ ਮੰਚ ਕੀ ਤਰਫ ਪ੍ਰੇਸ਼ਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਮ ਮੰਚ ਸੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਂਗੇ ਤੋ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ ਔਰ ਹਮ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਯਹਾਂ ਕੇ ਮੁਖੀ ਮਹੋਦਯ ਆਦਰਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਮੋਹਨ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੀ ਸਭੀ ਸੇਵਾ ਦਲ ਕੇ ਭਾਈ ਬਹਿਣੋ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਬਣਾ ਕਰ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮੇਂ ਕਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਤੋ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਣਾਤੇ ਹੋਏ ਆਪ ਪਾਂਡਾ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਦਰੀ ਪਰਮ ਪੂਜ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਕਾਨਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਅੱਜ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪ ਸਭੀ ਸੰਤੋਂ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਲ ਦੀ ਉਪਲੱਛ ਮੈਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਏ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਕੋ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋ ਦਸ ਕਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਤੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਆਪ ਚੋਣੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿਟਿੰਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਅਗਲਨ ਬਣੀ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਆਪਕੇ ਦਰ ਪੇ ਆਪਕੀ ਚੋਣੋਂ ਮੈਂ ਆਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜੋ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚੈਨ ਅਮਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਮਿਲੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸੰਤੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸੁਖ ਚਾਹੋ ਸਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਣ ਰਾਮ ਕੀ ਆਓ ਤਾਂ ਸਿੱਖੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਨਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕਰਕੇ ਸੰਤੋਂ ਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੈਂ ਆ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਕੋ ਸਵਾਲ ਲੇ ਸੰਤੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਅੰਧ ਸਮੇਂ ਪਛਤਾਏਗਾ ਜਬ ਸੰਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਉਨਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਭਾਏਗਾ ਹਾਲਤ ਕਿਆ ਹੋਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਆ ਥਾ ਹਰ ਭਜਨ ਕੋ ਹੋਟਲ ਲਗਾ ਕੇ ਪਾਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਮਾਨਵ ਤਲ ਮੈਂ ਤੋਂ ਆਇਆ ਆਜ ਕਿਆ ਆਜ ਮਾਨਵਤਾ ਕਾ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਜੋ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਜ ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨ ਸੇ ਕਿਤਨਾ ਦੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੋ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇ ਗਵਾਉਣੇ ਗਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਆਜ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇੰਦਰਕਾਰੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਵਾਲੋ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਕਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਭ ਇਨਸਾਨੋਂ ਕੋ ਛੜਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਨੋ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਭੇ ਵਾਲੋ ਕੋ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੋਤਾ ਹੈ ਸੁਬਹ ਸੇ ਲੇਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੌੜ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਚੈਨ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਜਾਏ ਇਸ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਚੈਨ ਕਾ ਜੋ ਸਰੋਤ ਹੋਤਾ ਹੈ ਆਪਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੈਂ ਆਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਂ ਹਮ ਜੋ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੋ ਹਮ ਸੁਬਹ ਸੇ ਲੇਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੌੜ ਲਗਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈ ਵਿਪਤਾ ਕੋ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈ ਇਸ ਸਾਧਨ ਜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਇਨ ਪਲ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਜਾਓ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਪਾਠ ਹੋਤੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕੀ ਜੋ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਹੈ ਆਪਕੇ ਚਰਨੋਂ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਬਾਅਦ ਮਿਲਤਾ ਹੈ ਤੋ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਯਹਾਂ ਪੇ ਆਪ ਚਰਨੋਂ ਮੈਂ ਸਿਖਲਾਈ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਐਸਾ ਕ੍ਰਮ ਮੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏ ਸੰਤੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨ ਕ੍ਰਮ ਮੈਂ ਢਲ ਜਾਏ ਤੋ ਜੀਵਨ ਕਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੇ ਸਤਸੰਗ ਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿਖਾਉਣਾ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ जैसा कि आप सभी देख रहे हैं मन निरंकारी जी सेवा दल के इंचार्ज भाई साहब पिंटू जी और समस्त सेवा दल के भाई बहनों के साथ में सतगुरु को श्रद्धा सुमन दुपट्टा समर्पित करते हुए इस समय आशीर्वाद ले रहे हैं सभी महापुरुषों से दास प्रार्थना करेगा जय घोष में एक साथ बोल सतगुरु हमारे बीच में जौनपुर से चलकर आए हुए परम पूजनीय महात्मा बाबू तूफानी जी के पावन चरणों में पहुंच रही है महात्मा जी सेवा में व्यस्त है दास विनती करेगा मुंडेरवा ब्रांच के सेवा दल इंचार्ज महोदय बाबू पिंटू जी शास्त्र समस्या एक रचना के माध्यम से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और इनके बाद दास प्रार्थना करेगा हमारे बीच में हुजूर के साथ चलकर आए हुए संत निरंकारी मंडल के सचिव महोदय आदरणीय श्री डॉक्टर हरे राम सिंह जी देवरिया से ये कृपा करेंगे प्यार से कहेंगे सत्संग जी प्यार से बोलिए निरंकार जी आओ सत्संग हम सभी
हम सभी का सत्संगत बहुत ही भाग्य है, बहुत ही ये अवसर जो मिल पाया सत्संगत एक गुरु की कृपा से। नाज तो सत्संगत क्या कहे, क्योंकि हमारे इतने अच्छे अच्छे महात्मा सत्संगत विचारों के माध्यम से, गीतों के माध्यम से जो अपने भाव को रखा है, केवल दास इतना कहना चाहता है सत्संगत कि अगर गुरु का ज्ञान सत्संगत आपने लिया है तो इनके चरणों में सत्संगत पुराना साल तो बीत गया, नया साल आया, पुरानी जो सिपाही होती है गिले होती है सत्संगत भूल जाती है, लेकिन सत्संगत जो नए साल में सत्संगत संकल्प हम सभी को करना होता है कि सत्संगत केवल इनके चरणों में अरदास करना होता कि ये मालिक है दीनदयाल सच्चे बादशाह गरीब नवाज, ये कृपा करना कि जिस तरह से बीते वर्ष में हमने जो गलतियां की है वह गलतियां हमसे पुनः है दोबारा न हो पाए, आपके चरणों में हम अपना ध्यान लगा पाए, जैसा आपने ज्ञान दिया वैसा हमारा ध्यान बन पाए। आओ कृपा करो सत्संगत, ये जो ध्यान है जो ज्ञान का सागर हम सभी को मिला हुआ है सत्संगत, वो हमारे जीवन में ढलता चला जाए। महात्मा कहते हैं कि ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने, ये श्रृंगार सत्संगत हम सभी को लगाना है, चढ़ाना है, जीवन में उतारना है सत्संगत। कृपा करो सत्संगत, ये जो रूप है सत्संगत आप देख रहे हैं समागम का, दास सभी सेवादल के बहनों महापुरुषों की तरफ से सत्संगत हाथ जोड़कर जो हाँ भी त्रुटि होती है सत्संगत आपके चरणों में क्षमा प्रार्थी है, सतगुरु माता जी से कृपा करना कि जहां भी आप चाहे लंगर के क्षेत्र में हो चाहे पंडाल के क्षेत्र में हो, जहां भी सेवाएं होती हैं सभी की उसमें कहीं त्रुटि होती है तो सारे जो महापुरुष है सत्संगत जो सेवा के दौरान जहां भी त्रुटि करते हैं सत्संगत को क्षमा करना आपका। आओ सत्संगत दास भी क्षमा प्रार्थी है, दास को आशीर्वाद देना जिस तरह से आपने सेवा बख्शी है वो सेवा अंतिम तौर पर सत्संगत आपके चरणों में वो सम्मान करता चला जाए, आपका साथ सत्संगत हमेशा जीवन में बढ़ता चला जाए, सत्संगत त्रुटियों को क्षमा करते हुए प्यार से बोलिए दादा जी। बोल शत्रु माता श्री नरहरि जी महाराज की जय। हमारे बीच में संत मिलनकारी मंडल के सचिव महोदय आदरणीय श्री डॉक्टर हरिराम सिंह जी ये कृपा कर रहे हैं, हम इन्हें समर्थ करेंगे, इनके मार्गदर्शन आज के इस कार्यक्रम की अंतिम रचना बाबू सुखदेव लहरी जी दास प्रार्थना कर रहा है। बाबू सुखदेव लहरी जी के पावन चरणों में चंद समय का सहयोग लेते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्यार से कहना परम आदरणीय सत्संग जी, प्यार से कहना सत्संग जी, काफी देर से दास यहाँ बैठ के आपके अमूलक वचन श्रवण कर रहा था, मैंने पहले ही मुखी घोषित कर दिया, अभी माता जी ने अभी दुपट्टा नहीं डलवाया, क्योंकि साधन संगत संगत को देख करके इन महात्माओं को पहले ही महत्व लग गई कि शायद यह संगत उसी लिए बुलाई गई है। सत्संग जी सतगुरु माता जी की असीम कृपा है, आज से ठीक 8 महीना पहले 21 फरवरी को आपको याद होगा कि 21 फरवरी को सतगुरु माता जी ने आपके इस मुंडेरवा ब्रांच को रजिस्टर्ड किया था, और रजिस्टर्ड करने के साथ ही यहाँ श्री लालवन जी की सेवा इंचार्ज के रूप में लगाई गई थी। अब सत्संग जी इनकी सेवाओं को देखते हुए और आपके तप त्याग को देखते हुए आपके अथक प्रयास को देखते हुए सत्संग जी ज्यादा समय माता जी ने नहीं बीतने दिया, बहुत ज्यादा ब्रांच बन जाते हैं और कई कई वर्ष बीत जाते हैं मुखी का चुनाव नहीं हो पाता है, इंचार्ज ही देखभाल करता रहता है, लेकिन आपके अथक प्रयास से आपके परिश्रम को देखते हुए आपके लगन तप तपस्या को देखते हुए सतगुरु माता जी ने फिर 13 अक्टूबर को इस ब्रांच के मुखी के रूप में महात्मा लालमन जी की सेवा लगाई है। अरे महाराज तुम हम तालियों का स्वागत तो कीजिए महात्मा का। तो दास यही विनती करेगा पूज्य महात्मा जोनल इंचार्ज जी जो आपके सामने स्टेज पर विराजमान हैं, इनसे कि आप दुपट्टा डाल करके जिस तरह इनको इंचार्ज की सेवा आज से 8 महीना पहले दिए थे उसी तरह सारी संगतों के सामने इन्हें विधिवत मुखी की सेवा देने की कृपालता करें, और उसके बाद बड़ा बीच में तालियां भी आप लोग दें तो बड़ी कृपा होगी, और उसके बाद वही सबसे ज्यादा दुखी होता है, पूरे घर को खुश
सुशासन है जी, इसके लिए अगर घर खुश रहेगा तो आप भी खुश रहेंगे। इसलिए ये साथ संगत जो बैठी हुई है ये आपका परिवार है और आप इनसे आशीर्वाद लीजिए कि जो सेवाएं माता जी ने मुझे दिया है ये आप ही की कृपा से ये निभने वाला है, वरना दास के पास कोई लियाकत नहीं है। तो आप ऐसी कृपा करें, ऐसी सामर्था दें कि जो सेवा माता जी ने दिया है, जिस ध्यान से दिया है, उसी ध्यान से आपकी सेवा करते हुए इस सेवा को ये निभा सकें। तो ये भी ये आशीर्वाद लेने के लिए साथ में दुपट्टे के बाद तैयार रहेंगे। अब दास मुंडरवा ये श्री लालमन जी के चरणों में निवेदन कर रहा है, आप जहां कहीं भी हो स्टेज के सामने पहुंचने की कृपा करेंगे और आप सभी लोग जयकार में साथ देंगे। सदगुरु माता शालिनी देवी और शासक जी, जिस पत्र के माध्यम से माता जी ने इनको मुखी बनाया है, दास तो ऐसा सब कुछ सुना ही दिया है, लेकिन एक बार पत्र भी आपके सामने पढ़ दे रहा है कि मान लो परोपकारी भाई साहब श्री लालमन निरंकारी जी प्यार भरी धन निरंकार स्वीकार हो। विनती है कि संत निरंकारी मंडल की कार्यकारिणी समिति की दिनांक 21/2/2017 को हुई बैठक में आपके प्रांत मुंडेरवा में आपकी सेवा इंचार्ज के रूप में लगाई गई थी। अब आपकी सेवाओं को मद्देनजर रखते हुए सद्गुरु माता जी की असीम कृपा से संत निरंकारी मंडल की कार्यकारिणी समिति की हुई बैठक दिनांक 13/10/2017 में आपको ब्रांच मुंडेरवा की मुखी के रूप में यह सेवा प्रदान की जा रही है। समस्त संगत के चरणों में प्यार भरा धन निरंकार जी। तो दास सिद्ध करेगा मुखी महात्मा के चरणों में कि आप इन संतों से आशीर्वाद देने की कृपा करें, प्यार से कहना धन निरंकार और ये पत्र भी स्वीकार करें। सतसंगत हमारे जो नंबर 62 के जमाने छाट जी और डॉक्टर साहब हमारे संतोषत और दूर दूर से आए मुखियों का भी हमारे रुद्रपुरी क्षेत्र के मुखी आप साथ संगत सभी महात्माओं के चरणों में दास प्यार भरा धन्यवाद करता है, स्वीकार करें। जो कुछ कहना था डॉक्टर साहब कह ही दिए हैं, लेकिन दास को जो सेवा दी गई है, पहले सत्संग जी जोनर साहब से निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा और साथ में डॉक्टर साहब और हमारे संतोषक जी ये हमें आशीर्वाद दें कि आपने जो सेवा दी है हम आपको भी इन संतों को सत्संग जी अलग नहीं अपना परिवार समझ सके और इन्हें हर एक भाई बहन को अपना एक एक अंग का एक एक रोमा के रूप में और हृदय के धड़कन के रूप में इनको समझ सकें। सत्संग जी ये सत्संगत हमारी सर के ताज भी हैं और धड़कन भी हैं, ये सत्संग जी हमारे ही पूरे परिवार हैं। तो दास सभी महात्मा ने कहा कि इनको परिवार के रूप में सत्संग जी समझना है, तो सत्संग जी समझना नहीं है बल्कि ये हमारे परिवार है ही है। सत्संग जी ये परिवार नहीं होते, ये साथ संगत नहीं होती तो मेरा वजूदा कहीं नहीं होता। सत्संग जी ये साथ संगत का ही कृपा है कि जो दास आप के चरणों में जुड़ पाया और इस निरंकार ब्रह्म का दर्शन भी कर पाया। और सत्संग जी दास बता दे कि जिस समय ज्ञान लिया उसी दिन उसी समय सेवा दल की वर्दी यूनिट नंबर 208 सीरियल नंबर 62 का सेवा दल था और तब से ही आपके सिर चरणों में हजूर बाबा जी के साथ में ये सत्संग जी जब भी समागम मुंबई में हुआ करता वहाँ मुंबई में कोई भी कार्यक्रम होता वो सेवा करते रहा। आज भी सत्संग जी दास वही रूप में सत्संग जी समझ रहा दुपट्टा तो पड़ गई है, लेकिन सत्संग जी दास समझ रहा कि हम वही खाकी वर्दी वाले हैं, हम वही सेवादार हैं और ये जितने सेवादार भाई बहन हैं ये हमारे ही
अंग है और ये हमारे ही साथी हैं। वो कहाँ सेवा कर साथी हैं, वहीं पर हमारे साथ संगत भी साथी सत्संगत जी। तो सत्संगत जी आशीर्वाद आप सत्संगत दें और साथ में सत्संगत जी जोनर साहब से पूरी की पूरी और संतोषक जी से पूरी की पूरी आशीर्वाद की कामना चाहूँगा कि जो भी हुक्म आए जो भी आदेश आए उस पर हम बाखूबी निभा पाए और यत्नों को पालन कर सकें। दास हमेशा एक बात कहा करता है, अब हमें किसी चीज को मांगना नहीं है, अब हमें मानने आ जाए। तो ये सत्संग जी दास चाहता है कि मानने हमें आ जाए। दास आगे न बढ़ाते हुए आप सत्संग के हर एक एक बच्चे बच्चे की वचन को दास को मानने आ जाए। कार्यक्रम में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए दास समर्पित हो रहा है। जैसा कि पूर्व में दास निवेदन कर चुका था, भाई साहब तुरखानी जी जौनपुर जिला से इस समय आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं और इनके बाद दास विनती करेगा हमारे ये कृपा करेगी। प्यार से कहेंगे, प्रेम से कहना रमनकार जी, दास को बहुत काफी खुशी हो रही है कि सदगुरु कृपा से करीब काफी वर्षों से आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और आज भी नए वर्ष के उपलक्ष्य में निवेदन कर चुका था। हमारे बीच में रुधौली के मुखी महोदय जी कृपा कर रहे हैं, हम इन्हें श्रवण करेंगे और इनके बाद दास प्रार्थना करेगा हमारे इस बस्ती पंडाल में बैठ करके परमात्मा का गुणगान हम सबके जीवन में मिला और मिल करके सुन करके उनके करीब तक हम गए, जिसकी तलाश में इंसान भाग दौड़ लगा रहा है। शासन जी हम सबको जो समय का रहबर आया है उसके मुख से जो भी निकलता है हम सबको उसके वचना पर चल करके उनके वचन पर चल करके अपने जीवन को कृत्यार्थ करना है। शासन जी प्रेम से कहना और जैसा आगे समय दवाई देगा दास हाजिर होगा आप जी के चरणों में। प्यार से कहना और हमारे बीच में कुछ पत्रकार बंधु भी आप जी के बीच में आशीर्वाद दे रहे हैं। बोल सद्गुरु माता सुंदर हरि जी महाराज की। सतगुरु माता सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। प्यारी सास संगत, सतगुरु माता जी के प्रति चरणों का ध्यान करके इसी मूली में लेकर आए हुए हैं इसे प्राप्त करने के लिए। और माता जी आज जो नए वर्ष के शुभ अवसर पर पूरी दुनिया के जितने भी निरंकारी आत्माएं हैं इस परमात्मा से जुड़ी हुई हैं, सबके लिए उन्होंने गिफ्ट दिया है। सभी लोग कहते हैं कि नया साल मुबारक हो, लेकिन साल कोई देता नहीं है, ऐसे ही फर्जी हो जाता है। कहते हैं नया साल मुबारक हो तो देवता तो मुबारक माने देते हैं नहीं, कहते ही हैं। मगर माता जी ने कहा है कि हमें ये सब वस्तुओं की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्री जी माता जी ने कहा है गिफ्ट दिया है। अभी ये इसमें यूट्यूब पर है तो जो है वो कंठस्थ है उसको दास ऐसे ही कह दे रहा है। माता जी ने सबको गिफ्ट दिया है प्यार से रहने के लिए। माता जी ने दूसरी गिफ्ट दिया है कि सहनशील बन जाओ, सहने की शक्ति दिया है, ये गिफ्ट दिया है। और ये भक्ति में शास्त्री जी बहुत ही सहयोग है। जब तक इंसान के अंदर सहनशीलता नहीं आएगी भक्ति नहीं कर पाएगा। भक्ति कहते हैं कि कामी क्रोधी लालची इनसे भगत न होए, भगत करे कोई सूरमा जाति वर्ण सब खोए।
निरंकार की कोई जात नहीं होती है, जानने वालों की भाई कोई जात नहीं है, आत्मा का फर्क जो था। शास्त्र जी फिलासफर में लिखा था कि एक कटोरे में लेकर के समुद्र को भरना चाह रहा था, और काफी प्रयास करने के बाद समुद्र में जब वो कटोरा समुद्र में नहीं आ रहा था रोने लगा। महाराज संत सुकरात जी जा रहे थे सुबह टहलने के लिए, देख रहे थे, पूछा बेटा क्यों रो रहा है? कर लगे रो इसलिए रहा हूं कि इस कटोरे में ये समुद्र नहीं आ रहा है। तो कहते हैं चलो मैं भी प्रयास कर लू। तो उन्होंने थोड़ा प्रयास किया तो भी जब असफल हो गए तो उनको एक समझ आया कि क्यों ना इस कटोरे को इस समुद्र में ही डाल दिया जाए। तो शास्त्री जी ये बात समझ में नहीं आ रहा था, वो कटोरे को ही समुद्र में डाल दिया। जब कटोरा ही समुद्र में चला गया तो समुद्र में भरने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। तो आज सतगुरु माता जी ये जो शरीर रूपी कटोरा है इस निरंकार को भरने के लिए तो प्रयास तो किया जा रहा है, मगर साधक जिन्होंने कृपा कर दिया, आसान कर दिया, इस कटोरे को इस समुद्र में डाल दिया, अब ये भरा हुआ है। शासन नदी ये निरंकार से भरा हुआ है और यही इसी तरह से आपको महसूस करना चाहिए कि हम समुद्र में हैं, समुद्र हमसे अलग नहीं है, हम समुद्र में पड़े हुए हैं, हम सत्य में पड़े हैं। शासन जी ये शरीर जो ये हमारा प्याले का रूप है यही शासन जी इन्होंने संभाल भी दिया है और इसको डुबा दिया है, ये इनका शुक्र है, इनको शुक्रिया देना है, सारे श्रेय इनको मिलता है। और आज पहले दिन इस हमारे जो रात में दिन में भी यही बात हो रही थी कि सभी लोग कहते हैं कि पहले अपने